हेलो पीपल, तो आज मैं फिर से आपके सामने हूँ ग्रैंड टेस्ट का एनालिसिस करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि 24 साल की लड़की थी विच वॉज़ फीमेल बाय ऑक्यूपेशन, एंड जैसे ही वो मॉर्निंग शिफ्ट के लिए जा रही थी उसकी जो फिंगर्स थी इट टर्न्ड पेल एंड नम्ब। ठीक है, पेल के बाद नम, नम के बाद इट टर्न्ड ब्लू। तो कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है? तो पहली है कि ये सारा सिनेरियो जो था ना वो रेनॉल्ड्स फिनोमिना का था। ठीक है, एंड इसमें इट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ऑटो इम्यून डिजीज़। दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, तो ये एसोसिएटेड होती है किसके साथ? योर ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे स्क्लेरोडर्मा, SLE, एंड रेनॉल्ड फिनोमिना में ट्राईफेजिक कलर रिस्पॉन्स होता है ऑफ द टोज, एंड देर इज थ्री थिंग्स दैट इज पैरेलल साइनोसिस एंड रबर। अगर इसके बारे में यू वॉन्ट टू स्टडी फर्दर, ये क्वेश्चन क्योंकि आया नहीं हुआ कहीं पर, यू कैन लर्न अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना। द बेसिक डिफरेंसेस की प्राइमरी जो होता है वो 20 से 40 साल की उम्र में होता है एंड सेकेंडरी इट प्रेजेंट्स लेटर इन लाइफ। प्राइमरी जो होता है इट अफेक्ट्स बोथ हैंड्स एंड फीट, एंड सेकेंडरी में इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हैंड्स या फीट दोनों होंगे, इट कैन बी ओनली वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 42 ईयर ओल्ड लेबर मैन इज देयर जिसके पैर में डिस्कलरेशन है एंड देर वॉज वेरिकोज वेन्स 5 ईयर्स एगो विच वॉज अनट्रीटेड। तो कौन सा फीचर प्रेजेंट होगा? जो मेरे को फोटो दिख रहा है ना यहाँ पे अभी, आई डोंट थिंक सो आपको दिखेगा, बट हल्का सा ट्राई ऐसे करके दिख रहा होगा मुझे ना। ये फिगर ना जो दिख रहा है यहाँ पे वो पहले लगा था लाइपोडर्मोस्क्लेरोसिस, बट अकॉर्डिंग टू द आंसर विच इज़ गिवन बाय मैरो इट इज़ एट्रोफिक ब्लांचे। एंड वो उन्होंने क्या उसकी स्पेसिफिक कंडीशन दी हुई है कि जब ऐसा देखे देयर विल बी वाइटिश स्पॉट्स ऑन द जो भी वहाँ पर आपको दिख रहा है इमेज में, इन द पैथोलॉजी आई कैन से, एंड यहाँ पर है तो मुझे जहीं पे भी वाइटिश कलर के स्किन देखेगी एट्रोफिक स्किन दैट मीन्स एट्रोफिक ब्लांचिंग, एंड इट विल फील लाइक इन्वर्टेड शैम्पेन बॉटल, एंड ऐसा दिख भी रहा है वो फोटो में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फोटो दिया हुआ है और बोल रहे हैं कि कौन सा डिफिशेंसी है इस पेशेंट में। जो मैंने आंसर टिक किया था दैट वॉज फिनाइल एलानिन, बट जो इन्होंने आंसर बताया है दैट इज़ कि ये जो दिख रहा है दिस इज़, आई होप सो आपको दिख रहा हूँ, मैं टेढ़ा करके दे रही हूँ ताकि लाइट ना आए इस पर, दिस इज़ केजल्स नेकलेस। केजल नेकलेस जो होता है वो प्लेग्रा में दिखता है विच इंडिकेट्स द डिफिशेंसी ऑफ ट्रिप्टोफैन। प्लेग्रा के क्वेश्चन ना बहुत आते हैं, लाइक आई हैव सीन कि कई बार ट्रायड पे पूछ लें वो जो 3Ds 4Ds होते हैं, कई बार ये लोग क्या बोलते हैं नहीं ऐसे नॉट ट्रिप्टोफैन की दोस्ती के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, कई बार जैसे केजल नेकलेस दे दिया अभी इसमें दिया हुआ है, कई बार एक्सरे में पूछ लेते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल प्लेग्रा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू नीट, एंड 2022 में भी आया था, 23 में सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट यूटिलाइज कीटोन बॉडीज, ब्रेन, स्केलेटल मसल्स, लिवर या फिर किडनी? तो जो कीटोन बॉडीज़ कौन नहीं यूटिलाइज